बरेली इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा द्वारा आज प्रदेश में पुलिस राज कायम होने और आम आदमी को इंसाफ न मिलने के विरोध में एक दिवसीय धरने का कार्यक्रम इस्लामिया मैदान में रखा गया था। प्रदेश में धारा 144 लागू होने के बाद IMC धरना प्रदर्शन करने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी गई। IMC के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरोप है कि प्रयागराज पुलिस ने जो काम किया है वह प्रदेश की पुलिस के माथे पर कलंक है और इसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है। हम माफियाओं का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम इंसाफ की बात कर रहे हैं कि जब 3 शूटर अतीक और अशरफ पर गोलियां बरसा रहे थे तो प्रयागराज पुलिस ने एक राउंड भी गोली नहीं चलाई और उनको गोद में उठाकर सुरक्षित ले आकर गाड़ी में बैठा दिया। इससे ये साबित होता है कि पुलिस की मिलीभगत से हुआ है। जो भी जांच कर रही है हमें उस पर भी भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाए, क्योंकि पहले भी हेमंत की हत्या में भी उल्टी सीधी लगाकर मामले को दबा दिया गया। हेमंत की हत्या साजिश के तहत की गई और खाना पूर्ति के नाम पर जांच की गई थी। आवास पर पुलिस का पहरा था। इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान को पूरी तरह से सील कर दिया गया था ताकि कोई भी व्यक्ति इस्लामिया कॉलेज मैदान तक ना पहुंच सके। IMC के पदाधिकारियों के निवास पर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया था। स्पेशली राहुल भाटी, CO प्रथम श्वेता यादव, सिटी मजिस्ट्रेट रेणु सिंह, ADM सिटी RD पांडे बिहारी पुलिस चौकी पर डटे रहे। मैं एक बात कहता हूँ, बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं, बड़े बड़े मुजरिम होते हैं, मुजरिम पकड़ा गया, घर की खवातीन को कभी मुजरिम नहीं बनाया जाता है, कभी मुजरिम नहीं बनाया जाता है। खवातीन को मुजरिम बनाने का मतलब यह है कि आपको उस खानदान से दुश्मनी है, आप उस खानदान को तबाह करना चाहते हैं। दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ शरीयत के मुताबिक जिसका शौहर कत्ल हो जाता है या फौत हो जाता है वो इद्दत पर औरत रहती है, कब्रिस्तान जाने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। तो ये कहा गया कि वो इज्जत इसलिए कब्रिस्तान नहीं आई क्योंकि वो वांटेड है। एक तो वांटेड है इज्जत, एक लेडी, एक खातून शाइस्ता, एक तो उसको मुल्ज़िम बनाया गया है, मैं इसका विरोध करता हूँ। दूसरी बात ये कि वो इस वक्त कब्रिस्तान इसलिए नहीं आई कि 4 महीने 10 दिन की इज्जत हमारे यहाँ होती है जिसका शौहर ख़त्म हो जाता है। तो अतीक और अशरफ उन दोनों की बीवियाँ, मेरा ख्याल ये है कि वो इज्जत में होंगी और मैं दर्दमंदाना अपील ये करता हूँ कि उनके साथ उनकी तलाश है, आपको ठीक है आप तलाश कीजिए, लेकिन अगर वो मिल जाती हैं तो उनको बेपर्दा मत कीजिए। जिस घर में वो इज्जत में बैठी हैं उसी घर में उनको बैठे रहना दिया जाए और उनको हाउस अरेस्ट रखा जाए जब तक उनकी इज्जत पूरी ना हो जाए। एक टेक्निकल सवाल ले लेते हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।